करोदी जी नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, और बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा शिविर लगाया है यहाँ पे। मैं जानना चाहता हूँ कि इस वितरण शिविर के अंदर जो मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा और आपके द्वारा यहाँ पे कोटला में लगाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या आगे के लिए? ये उद्देश्य तो सिर्फ ये कि भाई गरीबों को जो भी मदद कर सकते हैं वो करनी चाहिए। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि कोई हम राजनीति कर रहे हैं। हमने यहाँ देखा कि भाई बहुत से लोग बेचारे इतने मतलब कि गरीब है कि भाई वो चश्मा नहीं खरीद सकते, कानों की मशीन वो सुनाई नहीं देता, कानों की मशीन नहीं खरीद सकते। सिर्फ हम एक इसके लिए ही बहन मीनाक्षी लेखी जी ने जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर है और संस्कृति मंत्रालय दोनों मंत्रालय वो देखी और हमारी लोकसभा से वो सांसद भी हैं, उन्होंने पूरे अपनी लोकसभा में हर वार्ड में ये कैंप लगना है। उसमें जितने भी लोग हों, ये नहीं है कि 100-200 लोगों को हम मशीन कानों की मशीन या चश्मे देकर उनको मतलब कि बाकी लोगों को मना कर दें, ऐसा नहीं। 1000 लोग भी होंगे तो हम उन लोगों को मशीनें और चश्मे फ्री मुफ्त देंगे। तो मैंने देखा कि वजीरनगर के यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं, आगे जो बस्ती है, तो क्या पूरे कोटला में आपने सोचा है करने के लिए ऐसा कुछ आगे शिविर लगाने के लिए, जैसे चौपाड़ बाबू पार्क? करीब करीब लोग यहीं आ जाएंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ी, मेरा मन है, आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि भाई मेरा मन है कि भाई मैं एक ऐसी जैसे वो धर्म भवन पार्क है, आस पास के जितने भी लोग हैं, अब हर जगह तो लगाया नहीं जा सकता, ये एक जगह ऐसा लगा देखो, जैसे बैठने की जगह भी चाहिए और लोगों को सुविधा भी चाहिए। अब किसी छोटी जगह में लगा दें तो वो दिक्कत होगी और कोई फ़ायदा नहीं, तो हम एक दो कैंप और लगाएंगे और जिनको भी सुविधा दे सकते हैं और वो देंगे। सर एक थोड़ा सा राजनीतिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या इससे आगे जाके आपके जो इलेक्शन में फ़र्क पड़ेगा, तो उसको लेके सोचा है कुछ आपने? देखिए, अगर सबसे पहली बात तो मैं पूरी अपनी कोटला की जो जनता है उन्होंने मुझे बड़े भारी मतों से जिताया, इनका मैं एहसान मंद हूँ। और रही बात अगर जो इनको अच्छा लगेगा कि जैसे मैं लगातार नानक चंद बस्ती में हमने वो कोरोना टाइम में किट भी बांटी थी, राशनों की किट बांटिया और कई बार हमने वहाँ के काम भी किए, अगर इन्हें ऐसा लगता कि भाई हमारा भाई और हमारा साथी अगर जो उनके सुख दुख में खड़ा है तो वो वोट दे सकते हैं, देने भी चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल, आपकी छवि बहुत अच्छी है पूरे क्षेत्र में यहाँ पे, और आप इस बार भी आएंगे हम जानते हैं पक्का ये जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे आने के लिए, और ऐसे शिविर आगे करते रहें और जनता की सेवा करते रहें हमेशा। धन्यवाद। अम्मा के लिए जोड़ा तालियां।
कितने हो गए? तीन चार पैकेट बने हुए, छह पैकेट बने हुए तैयार है। बारिश होती है कभी और इससे थोड़ा पानी थोड़ा धुंधला दिखता है। इस तरफ से सर टेबल लेंस लगता है ना, इस तरफ से थोड़ा सा लगता है। अब हुआ है, मेरा तो 10-12 साल से पहले ठीक था, अब हुआ है तो 2-3 महीने से। सर ये जैसे खुजली हो रही है तो आप ये दवाई डाल सकते हो, इनमें 3 बार सिर्फ 10 दिन डाल दीजिए, 10 दिन के बाद इसको बंद करके फेंक दीजिए। ये दवाई डाल लेंगे दिन में 3-4 बार, ये आंखों को नमी देती है और सूखापन नहीं आने देगी। ठीक है, 10 दिन का जैसे ये अब शीशी ख़त्म कर लेंगे और ये 10 दिन में फेंक दीजिएगा। जैसे ऑपरेशन हो चुका है तो 2.5 नंबर का चश्मा लगा सकते हैं नज़दीक के काम के लिए।